आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बैड न्यूज है क्योंकि पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब अलग अलग, अलग जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों ने अपने अपने जिला के शिक्षकों में जो बीएड योग्यताधारी वाले यानी नियोजित शिक्षक उनकी लिस्ट निकालनी शुरू कर दी है और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जितने भी बीएड वाले शिक्षक हैं यानी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनकी नौकरी जा सकती है पटना हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था बी एड योग्यता शिक्षक जो है योग्यताधारी जो शिक्षक उनकी तो तो नौकरी जाने वाली है तो अब देखिए नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है आपकी नौकरी जाएगी इसके लिए लिस्ट भी जारी कर दिया गया है अलग अलग जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों ने लिस्ट निकाल दिया और इस लिस्ट में किन किन लोगों का और किन किन जिलों के शिक्षकों का नाम है आपको बताएंगे में नियोजित शिक्षकों के लिए बुरी खबर है बाईस हजार ऐसी अधिक नियोजित शिक्षकों की नौकरी खतरे में है दरअसल पटना हाई कोर्ट में अपने एक आदेश फैसले में नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है कोर्ट में क्लास एक से पांच तक के नियोजित बीएड पास शिक्षकों को अयोग्य करार दिया गया है इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति छठे चरण के तहत की गई थी कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के तमाम जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से एक से पांच तक बीएड एड योग्यताधारित शिक्षकों से संबंधित सूची मांगी जा रहे इसके बाद बिहार शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है विभाग छठे चरण में वर्ग एक से पांच के लिए नियुक्त हुए बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की जानकारी इकट्ठा करने में जुट गया है ताकि उनकी लिस्ट जो है वो निकाली जा सके और उनकी नियुक्तियों को रद्द किया जा सके बताया जा रहा है कि छठे चरण में लगभग 42000 शिक्षक बहाल हुए थे जिनमें 22000 शिक्षक वर्ग 1 से 5 के लिए बहाल किए गए थे राज्य सरकार की ओर से बहाली के दो साल के अंदर इन शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा था जिसे अब तक नहीं करवाया गया है अररिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारियों को छठे चरण में क्लास एक से पांच तक नियुक्त बी एड शिक्षकों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने को लेकर पत्र लिखा है पत्र में कहा गया है कि दो दिनों के अंदर ऐसे शिक्षकों के बारे में अनिवार्य रूप से जानकारी दिया जाए ताकि प्रतिवेदन समेकित कर निदेशालय को भेजा जा सके पटना हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में बीएड शिक्षकों को अयोग्य करार दिया था इन शिक्षकों की बहाली नियोजन इकाई के माध्यम से हुई थी नियोजित शिक्षक साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को आदेश जारी कर रहा है कि नियुक्ति पर फिर से काम करना होगा कक्षा एक से पांच के लिए केवल योग्य उम्मीदवारों का ही चयन होना चाहिए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो डीएलएड होंगे वही प्राइमरी टीचर बन सकेंगे तो देखिए पटना हाई कोर्ट ने तो अपना आदेश जारी कर दिया है जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वही अब प्राइमरी शिक्षक बन सकेंगे क्योंकि बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की जाएगी उनके उनके नौकरी को पटना हाई कोर्ट अब वापस लेने का फैसला दे दिया है और इसे लेकर अलग अलग जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों ने अपने प्रखंड शिक्षकों शिक्षा पदाधिकारियों को ये नोटिस भी भेज दिया है कि क्लास वन से क्लास फाइव तक जो नियोजित शिक्षक है उनकी लिस्ट तैयार किया जाए ताकि उनकी नौकरी बर्खास्त की जाए फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन